अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मुकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। इस वक्त मौजूद है विलगाम के तरसपुरा के अमरगढ़ इलाके में मौजूद है। आज एक ड्रग पेडलर जो है इसकी प्रॉपर्टी को आज यहां पे सील किए गए है पुलिस द्वारा। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहां पे SHO विलगाम जो है जान मोहम्मद और नायब तहसीलदार विलगाम की तरफ से यहाँ पे प्रॉपर्टी सील किया गया। एक मकान और एक दुकान को यहाँ पे बदतर सील किया गया है। वहाँ पे भी विजिल दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पूरा तरीका यहाँ पे चस्पान जो लगाया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, ये जो दुकान जो है इसको भी यहाँ पे सील किया गया है। यहाँ पे लिखा है जो नोटिस जो पुलिस स्टेशन विलगाम की तरफ से नोटिस निकाले गए, दिस प्रॉपर्टी शॉप लाइन जो है कम द रेजिडेंस हाउस बिलोंग, ये इसका नाम है मोहम्मद गुलजार मीर सन ऑफ गुलाम मोहिद्दीन मीर, जो अमरगढ़ शाहरकोट के रहने वाले तारसपुर का इलाका है। इसकी दुकान और प्रॉपर्टी को आज पहली बार क्या, जिस तरह कश्मीर में हर जगह पे आज हंदवाड़ा में भी इस तरह की शुरुआत हुई है, पुलिस जो है हरकत में आई। पुलिस ने साफ तौर ये कहा कि जो भी शख्स ड्रग पटलर में मुब्तला होगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी प्रॉपर्टी को भी सील किया गया है। यहाँ पे भी विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। एक तो उनका दुकान यहाँ पे सील किया गया है, दूसरी जानब से मैं उनका घर के विजुअल दिखाने की कोशिश करूँ। इस घर को फिलहाल तौर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इसको सील किया गया है। ये आगे थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे भी जो है एक जो दरवाजा है मकान का, वहाँ पे भी इस पे बोर्ड जो है चस्पान किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हरकत में आएगी, उन्हें साफ तौर कहा कि जो भी ड्रग पेटलर है उनको नहीं बख्शा जाएगा। आज ये हंदवाड़ा विलगाम का इलाका है, यहाँ पे भी एक ड्रग पेटलर के घर को आज यहाँ पे सील किया गया है। ये गुलिस्तान लाइव फीड में आपको लाइव विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है अभी तकरीबन जम्मू कश्मीर पुलिस और नायब तहसीलदार विलगाम की तरफ से यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को सील किया गया है। इसमें एक मकान जो है गुलजार अहमद मीर सन ऑफ गुलाम मोहिद्दीन मीर, जो अमरगढ़ शाहरकोट के तहरतपुरा के रहने वाले, इसके प्रॉपर्टी को यहाँ पे सील किया गया है। जो इसको एक्ट भी लगा था, इन्हीं जो यहाँ पे एक्टिव जो पिछले तकरीबन 2-3 महीने अभी भी ये बंद है। ये ड्रग जो कारोबार कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टी को आज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हंदवाड़ा पुलिस, खुसूस हंदवाड़ा पुलिस जो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे सील किए गए हैं। इस वक्त मैं अमरगढ़ में मौजूद हूँ, ये लाइव विजुअल में उसी के घर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ गुलिस्तान लाइव फीड पे आपको ये लाइव विजुअल जो है थोड़ा यहाँ पे भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। मुझे बताओ इसका कैप्शन। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने एक घर को जो है, घर और एक दुकान को यहाँ पे सील किए गए हैं। फिलहाल तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ तौर ये भी कहा है जो भी ड्रग पेटलर है उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घर जो आप देख रहे हैं ये अमरगढ़ शाहरकोट का इलाका है, यहाँ पे इस घर को सील किया गया है पुलिस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ पे इस घर को सील किया गया है। और साफ तौर यहाँ पे दो जगह पे यह कार्रवाई हुई, एक तो लंगेट, थोड़ा सा मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो मेरे पीछे जो घर है इस घर को आज पुलिस की तरफ से सील किया गया है, जो है एक दुकान और एक मकान को। और साथ ही में आपको ये भी कहूँगा और भी कार्रवाई हुई है यहाँ पे, जो पुलिस की तरफ से छापामार कार्रवाई में और करालगढ़ इलाका जो काजीआबाद का इलाका है वहाँ पे भी एक घर को सील किया गया है। ये बड़ा मकान जो आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड में इस वक्त देख रहा हूँ, ये उन्हीं के घर है। पहले जो एंटी मिलिटेंट जो है उनके घर को सील किया गया है। आज जो ड्रग पेटलर है उनके मकानों को आज पुलिस की तरफ से सील किया गया है और एक दुकान जो है इसको भी यहाँ पे सील किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ तौर ये कहा कि जो भी ड्रग पेटलर है या ड्रग बेचने वाले हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी। और यहाँ के तमाम लोगों को यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इत्तला भी दी गई है। तमाम जो है ये लाइव विजुअल में जो आपको उसी घर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे खुद जो SHO विलगाम है,
इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद वहीं पे मौजूद हूँ। ये अमरगढ़ शारकुट का इलाका है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दो जगह पे छापामार कार्रवाई हुई, एक तो गाजियाबाद करालगढ़ में हुई थी, वहां पे भी एक घर को सील किया गया है। ये लाइव विजुअल में आपको गुलिस्तान नेशनल चैनल पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो जो भी एंटी मिलिटेंट जो मिलिटेंट के साथ वाबस्ता लोग थे उनके घर को सील किया गया है। आज उन लोगों के प्रॉपर्टी को सील किया गया है जो ड्रग में मुबतला, जो ड्रग से वाबस्ता रखते थे या पहली बार उनको एक्टिव भी लगा था। अभी भी ये शक्ल जो अभी गुलजार अहमद मीर जो है ये अभी भी बंद जो है तकरीबन पिछले और पुलिस ने साफ तौर कहा है जब से हंदवाड़ा एसएसपी साहब ने इंचार्ज जो संभाला उसने साफ तौर मीटिंग भी किया। मीटिंग में साफ तौर लोगों को यह भी कहा गया है कि जो भी ड्रग पिटलर होगी या ड्रग बेचने वाले होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज फिलहाल जो घर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये इस घर को आज यहाँ पे इस घर को सील किया गया है और दो दुकान जो है उनकी प्रॉपर्टी उनकी मकान जो है और एक दुकान को भी यहाँ पे सील किया गया। ये लाइव विजुअल में आपको शारकूट जो अमरगढ़ से वहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।